Hello everyone, welcome back to my channel Chemofolliculorica. I hope you all are doing well and students, I hope aap ye time proper utilize kar rahe honge to clear your concept, to strengthen your concepts and to prepare yourself for upcoming competitive exams, right? And you guys also know that success is not achieved in a single day, right? And you have to do hard work constantly. So I think whenever you'll have command on your subject, then you will be able to achieve desired result, whatever you wish at that time, right? So I think keep yourself alive and updated by doing regular studies, right? And moreover, जैसे कि इस चैनल में मैंने आप प्लस वन और प्लस टू दोनों के एक एक चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं एंड गाइज आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट. न्यूमेरिकल्स की भी मैंने प्रैक्टिस बहुत कराई है. आई होप यू हैव लाइक्ड इट. आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड इन माय अपकमिंग वीडियोस नाउ आई विल अपलोड सम एडवांस टॉपिक्स, राइट? मैंने ऐसा सोचा है कि कुछ एडवांस टॉपिक्स अब मैं लूंगी सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड आफ्टर दैट कुछ असाइनमेंट्स भी एंड डेफिनेटली आई होप दैट इट विल बी वेरी एक्साइटिंग फॉर यू गाइज टू सॉल्व देम. सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका एट माई चैनल केमोफोलिकलॉरिका. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो हमने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीट कर लिया है. सो आज हम वो चैप्टर फटाफट से पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे कि हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, क्या फॉर्मूलेस थे, राइट? सो दैट आपका चैप्टर इजिली एक बार गो थ्रू हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि केमिस्ट्री है क्या चीज, केमिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे करेंगे. दैट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर से, मैटर की प्रॉपर्टीज से और जो चेंजेस मैटर में हो रहे हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस, राइट? हमने पढ़ा कि मैटर उसकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, क्या चेंजेस उसमें हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे एंड द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस. फिर हमने उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी कि डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है. फूड की, आप वैसे भी नॉर्मली घर में जो भी सामान लाते हो, कुछ आपकी सॉस है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, राइट, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जितनी मेडिसिन लेते हो, वाइटामिन्स हैं, टॉनिक्स हैं, ये सब चीज में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, राइट? सो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री बहुत वास्ट है. इंपॉर्टेंस जैसे हमने नॉर्मली डिस्कस ही कर लिया, काफी आपकी डायवर्सिटी है इसमें, काफी जगह यूज होते हैं आपकी एज अ मेडिसिन. नहीं, लोग सोचते हैं केमिस्ट्री खाली एज अ मेडिसिन यूज हो रही है. नो, केमिकल्स आपके सब जगह हैं. जो एसिडिटी रेगुलेटर्स डले होते हैं आपके खान पान की जितनी चीजें होती हैं या फिर आपके जो भी ऐसी चीज है जिनको आप स्टोर करके रखते हो, ठीक है, उनमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, तो सब में कुछ ना कुछ आपका किसी न किसी फॉर्म में केमिकल प्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा मैटर, ठीक है. हमने इसके बाद डिटेल में एक एक चीज पढ़नी स्टार्ट करी कि मैटर की हम बात कर रहे थे, उसकी कॉम्पोजिशन की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले वर्ड आया मैटर. मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर फाइव सेंसेस, राइट? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो जितनी भी चीजें आप आसपास देख रहे हैं सब मैटर का ही पार्ट है, मैटर ही एक तरह से. उसके बाद हमने उसकी क्लासिफिकेशन करी, फिजिकली कैसे क्लासिफाई करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल में आपका सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेज, ये आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, साथ के साथ इसको कर भी लेते हैं कवर. सॉलिड आपने पहले पढ़ा हुआ है, क्या होता है? एनीथिंग विच हैज डेफिनेट वॉल्यूम. एक सब्सटेंस को हम सॉलिड कब कहेंगे? जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है. एग्जाम्पल आपका शुगर, आयरन, कुछ भी हो सकता है ना. लिक्विड्स आपका क्या? जहां पे आपकी डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है. जिस कंटेनर में आप उस लिक्विड को डालोगे शेप वैसे ही आ जाएगी. वॉटर, मिल्क, ऑयल, देन गैसेज, इसमें ना तो आपकी कोई डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है, राइट? तो ये तो फिजिकली क्लासिफिकेशन आपकी, जैसे आप क्लासिफाई करोगे उसके अंडर आ गया. केमिकल क्लासिफिकेशन में कई तरह था. एक तरह आपका क्या था? एक तरह से आप कर सकते हो होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस, ठीक है, या फिर आप कैसे कर सकते हो प्योर सब्सटेंसेज मिक्सचर. ये आगे फर्दर, उसके आगे इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है. अब होमो और हेट्रो वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. ये सब अभी हम फटाफट एक बार सारा फिर से रिवाइज करेंगे. एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गई, उसके बाद प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस मतलब जहां पे कोई मिलावट नहीं है, प्योर से ही पता लग रहा है, ठीक है. तो वो आगे कैसे आप क्लासिफाई हो सकते हैं? या तो एलिमेंट्स होगा या कंपाउंड, ठीक है.
ये दोनों ही आपके होमोजेनस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही जैसी चीज प्रेजेंट होगी, दूसरा फेज प्रेजेंट ही नहीं होगा। आपका ऊपर भी वर्ड आया था होमोजेनस हेटरोजेनस, एक्चुअली अगर आप देखो तो इन वर्ड्स का मतलब तो वही है कि आपका एक जैसा फेज है खाली, तो होमोजेनस है, डिफरेंट है तो नेचुरली हेटरोजेनस है, ठीक है। फिर मिक्सचर में भी आगे आपकी क्लासिफिकेशन है होमोजेनस हेटरोजेनस, ठीक। कंपाउंड्स में फर्दर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। अब हम ये सारी क्लासिफिकेशन में जितने आपकी टर्म्स आई हैं फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको सो दैट क्लियर हो जाए कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या फर्क है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एलिमेंट क्या चीज, कंपाउंड क्या चीज, और सबके हम एग्जांपल्स लेते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस से। सॉलिड लिक्विड गैस की हमने नॉर्मल डेफिनेशन या सब्सटेंस कैसे एग्जिस्ट करेगा सॉलिड वो तो पढ़ लिया, बट उसमें मेन चीज क्या है कि उनके पार्टिकल्स दूर हैं या पास हैं, कैसी फोर्सेस हैं, राइट। सॉलिड्स में आपके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स में लेस क्लोजली पैक्ड, गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, राइट। तो यानी सॉलिड्स में कोई मूवमेंट नहीं होगी उन पार्टिकल्स की एक्सेप्ट वाइब्रेटरी मोशन, वो जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन पे। लिक्विड्स में नेचुरली मूवमेंट होगी और सबसे ज्यादा मूवमेंट आपकी गैसियस स्टेट में होगी। अब ये तीनों स्टेट्स आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती हैं। आपका अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर चेंज कर रहे हो, कंडीशंस चेंज कर रहे हो, तो इंटरकन्वर्टिबल है। आपको भी पता है सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, लिक्विड को गैस में कर सकते हो, है ना। आइस है, आइस को हीट करोगे पानी बन जाएगा, और हीट करोगे वेपर बन जाएगा। तो उसके बाद एक टर्म आई थी गैस और वेपर में डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं और बड़ा सिंपल सा चीज है, कई बार एग्जामिनर हो सकता है कई बार प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही पूछ ले, बट यू आर नॉट एबल टू गिव द आंसर। वेपर में क्या है, वो गैशियस स्टेट सब्सटेंस की विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब एक्चुअल में रूम टेम्परेचर पे वो वेपर फॉर्म में नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। और गैस क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि गैशियस स्टेट या गैशियस फॉर्म में ही है इवन एट रूम टेम्परेचर, राइट। जैसे ऑक्सीजन गैस है, वो एयर में एग्जिस्ट कर रही है, वो गैस की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वाटर एक्चुअल में लिक्विड फॉर्म में है। जब आप उसे हीट करते हो तब उसके वेपर्स बनते हैं, राइट, हीट करने के बाद। तो एक्चुअल में तो वो लिक्विड फॉर्म में है लेकिन हीट करने पे उसके वेपर्स बन गए। सो आई होप आपको गैस और वेपर में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपकी आई नेक्स्ट केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने सबसे पहले होमोजेनस और हेटरोजेनस किया था। होमो वर्ड का मैंने आपको मतलब बताया था सेम, सेम का मतलब यूनिफॉर्मिटी हो, जहां पे कि एक ऐसा मटेरियल जहां पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, उसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, एक जैसा ही खाली फेज है, दैट विल कम अंडर होमोजेनस। फॉर एग्जांपल वाटर है, तो आप अगर एक ग्लास में पानी ले रहे हो, जस्ट पानी ही है, उसका एक जैसा ही फेज दिख रहा है, कोई मिक्सचर या कोई ऐसी दो अलग अलग चीजें नजर नहीं आएंगी आपको। हेटरोजेनस में उल्टा है, उल्टा इन द सेंस कि वहां पे एक से ज्यादा फेज आपका नजर आएगा। जैसे सपोज करो ऑयल या वाटर है, दो चीज आपको मिला दी हमने, सॉल्ट या सैंड है, दो चीज मिला दी, उसमें आपको दो अलग अलग लेयर्स नजर आएंगी, एक जैसा फेज नजर नहीं आएगा, राइट। तो आपका होमोजेनस हो गया, हेटरोजेनस हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरह से हम केमिकली क्लासिफाई कर सकते हैं मैटर को। हमने किया एक तो हो गया होमोजेनस हेटरोजेनस, दूसरा हो गया प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, हमने किया था क्लासिफिकेशन में। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब जहां पे एक ही सब्सटेंस हो, कोई और चीज उसमें प्रेजेंट नहीं है, मिक्सचर मोर देन वन सब्सटेंस हो, राइट, प्योर सब्सटेंस। उसके बाद हमने जो आगे क्लासिफाई किया था एलिमेंट या कंपाउंड्स, वहां से देखते हैं कि एलिमेंट कंपाउंड में फर्क क्या है। एलिमेंट आपका वो सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी प्योर सब्सटेंस का, जिसकी डेफिनेट या फिक्स्ड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसको कि फर्दर ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही वो किसी फर्दर सिंपलर सब्सटेंस से बनाया जा सकता है बाय एनी काइंड ऑफ फिजिकल और केमिकल मेथड, ठीक है। एक तरह से मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे छोटी यूनिट कह लो आप, सबसे छोटी यूनिट भी हमें नहीं कहना चाहिए क्योंकि सबसे छोटी यूनिट तो आगे फर्दर एटम है, जो फर्दर इसकी है, ये कह सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी प्योर सब्सटेंस की, ठीक है, जिसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज फिक्स्ड हैं, जो कि फर्दर आप उसको, उस प्योर सब्सटेंस को फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म है तो फर्दर उसको तोड़ भी नहीं सकते और उसको किसी और सिंपल सब्सटेंस से बना भी नहीं सकते हो, राइट। या फिर हम क्या कह सकते हैं, अ प्योर सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब वो वन टाइप ऑफ पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे कार्बन सल्फर, ठीक है, ये सब आपके एलिमेंट्स हो गए। अब इसके फर्दर टाइप्स आपके क्या आ गई, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटल्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज जो भी मेटल्स की आपकी हैं, कि लस्टर शो करता है, शाइन शो करते हैं, गुड कंडक्टर्स है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, मेलिएबल हैं, यानी उनको शीट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, डक्टिलिटी है उनकी प्रॉपर्टी, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्शन एक ही है मरकरी, ठीक है, डेंसिटी हाई होती है और मैक्सिमम आपको पता है ओवरऑल
पूरे आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो 65% एलिमेंट्स आपके मेटल्स ही हैं। नॉन मेटल्स इसके अपोजिट हो जाती हैं प्रॉपर्टीज, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते, लस्टर नहीं है, एक्सेप्ट आयोडीन। एक्सेप्शंस याद रखना, जैसे एग्जिस्ट एज सॉलिड था एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी, मर्करी लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है लेकिन मेटल है, ऐसे ही यहाँ पे आयोडीन लस्टर शो करता है प्रॉपर्टी, लेकिन ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में किसकी है, मेटल की। तो बच्चे कई बार आयोडीन को नॉन मेटल की जगह मेटल बोल देते हैं, सो प्लीज एक्सेप्शंस ध्यान दें। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं, डायमंड, डायमंड तो चलो कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जो दूसरा एलोट्रोप है ग्रेफाइट, वो कंडक्शन शो करता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब जिसमें आपकी दोनों मेटल और नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट शो करेंगे वो आपके इस कैटेगरी में आ जाएंगे। एग्जाम्पल आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक, ये तीन हो गया, या पहले भी पढ़ चुके हो। उसके बाद एक तो हो गया है सारा एलिमेंट्स, सेकेंड आपका क्या था, कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस के दो फर्दर आगे क्लासिफिकेशन जब हमने की थी तो क्या आया था, एलिमेंट और कंपाउंड्स। दूसरा अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड, वो प्योर सब्सटेंस जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट या एटम्स हो। वहां पे खाली प्योर सब्सटेंस था, ठीक है, एक ही तरह का एटम था, एक ही तरह का मॉलिक्यूल था, यहां पे क्या हो गया, मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट या एटम्स। या फिर हम क्या कह सकते हैं, प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड टूगेदर इन अ फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। ये याद ध्यान रखना है, बाय मास है, ठीक है, एंड विच कैन बी डिकम्पोज इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ओनली बाय सुटेबल केमिकल मैथड्स। ठीक है, मतलब जैसे सपोज आपका एग्जाम्पल है वॉटर, तो यहां पर आपका दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स हो गए, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, जब भी ये कंबाइन करते हैं हमेशा फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन करेंगे बाय मास। मतलब जब भी हाइड्रोजन या वाटर बनेगा आपका तो उसमें 2:16 की रेशियो होगी बाय मास। 2 आपका मास जो आ रहा है, 2 ग्राम कैलो, 2 एटॉमिक मास यूनिट कैलो हाइड्रोजन की और 16 ऑक्सीजन की, यानी कि 1:8 की हमेशा रेशियो रहेगी बाय मास। और इसको आप कभी भी जब डिकम्पोज करना हो आप ऐसे अलग नहीं कर सकते हो, आपको केमिकली किसी केमिकल मेथड से अलग करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका कंपाउंड। अब इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट इसके एलिमेंट्स हैं उससे डिफरेंट होती हैं। अब यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग तो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कंबाइन करके जब वाटर बना रहे हैं तो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट है। देन आपका आता है मिक्सचर। सिंपल है, मिक्सचर आपको पता है प्योर सब्सटेंस, तो हमने क्लासिफिकेशन की थी प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो मिक्सचर में क्या था, वहां पे कोई भी चीज फिक्स नहीं है, दो चीज हमने मिला दी, किसी प्रोपोर्शन में नहीं है। सो मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन, वो दो सब्सटेंसेस एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, उनका कुछ फिक्स नहीं है, कोई एलिमेंट भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा, जैसे एलॉयज हो गए, 2-3 हमने मेटल्स को कंबाइन कर लिया है ना, उनकी अलग अलग प्रोपोर्शन हो सकती है, कुछ फिक्स नहीं है, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर सेम एज प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंपाउंड्स में हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यहां पे सेम, और वहां पे केमिकल मेथड से आप उनको अलग कर सकते थे, यहां पे किसी सिंपल फिजिकल मेथड से भी अलग कर सकते हो। जैसे यहां मैंने स्मोक लिखा हुआ एग्जाम्पल, स्मोक में आपको पता है बहुत सारी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, बहुत कुछ आ गया, तो उसमें एलिमेंट कंपाउंड सबका मिक्सचर है, वो किसी भी प्रपोर्शन में, हमें नहीं पता कौन से प्रपोर्शन में है। ओके, फर्दर मूव करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर में, फिर आगे दो चीज आ गई, होमोजीनस, हेटरोजीनस। फिर से होमो का मतलब फिर वही सेम रहेगा कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी थ्रू आउट, हेटरोजीनस का मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी। यहां जो आपके पार्टिकल्स होंगे दे आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, आप उनको आई से ऐसे नहीं देख सकते हो, इवन माइक्रोस्कोप के अगर आप नीचे स्लाइड बना के देखो तो भी नहीं देख पाते हो। हेटरोजीनस में कंपोनेंट्स या तो आपके इतने बड़े होंगे कि नेकेड आई से दिख जाएंगे, या फिर एटलीस्ट माइक्रोस्कोप के अंडर तो दिख ही जाएंगे। यहां पे एक फेज होगा आपका होमोजेनस में, यहां पे मोर देन वन फेज, राइट। एग्जांपल हो गया आपका एयर, एयर आपका होमोजेनस कैसे है, मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड पार्टिकल्स, काफी सारे गैसेस होती हैं उसमें, पार्टिकल्स कई सारे हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं या कई अलग अलग तरह के पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, कुछ भी हो सकता है। हेट्रोजेनस में ऑयल इन वाटर, दो अलग अलग आपको फेज नजर आएंगे उसमें, क्लियर। अब फटाफट मिक्सचर और कंपाउंड की वो कर लेते हैं डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कंपोनेंट्स किसी भी रेशियो में प्रेजेंट होंगे, कंपाउंड के फिक्स रेशियो बाय मास। मिक्सचर में होमोजेनियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कंपाउंड में हमेशा होमोजेनिसिटी नजर आएगी आपको। प्रॉपर्टीज मिक्सचर की आर ऑलवेज यू कैन से सिमिलर और मिडवे बिटवीन द
जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उसके रिगार्डिंग, यहां पे एंटायरली डिफरेंट. मिक्सचर में दे कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स या मैकेनिकल मेथड्स, कंपाउंड में ओनली बाय सुटेबल केमिकल मेथड्स. यहां पे क्या हो जाएगा, ये फिजिकल चेंज है एक्चुअल में अगर देखा जाए मिक्सचर में, यहां पे केमिकल चेंज हो रहा है. ठीक, अब यहां पे नॉट शार्प लिखा हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा. नेचुरली जब आपकी प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकती है कम ज्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी शार्प नहीं होगा, लेकिन कंपाउंड के केस में शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब नेक्स्ट आता है एटम मॉलिक्यूल, ठीक है, उनके आगे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज. एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है? एटम आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का. ठीक है, एलिमेंट का जो सबसे, मैं बात करी थी सबसे छोटी यूनिट की ना, ये वो चीज है. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता. ठीक, जैसे आयरन कॉपर सिल्वर है, ये तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करो तो नहीं एग्जिस्ट करते. आपको पता है H2O2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो एटम आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया किसी एलिमेंट का विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली. क्लियर है, फ्रीली कर रहा है, जैसे H2O2 है, आपको पता है फ्रीली एग्जिस्ट करता है. अब इसमें फर्दर हमने टाइप्स कर दिया होमो एटॉमिक, हेटरो एटॉमिक. नाम से पता लग रहा है होमो मतलब एटॉमिक, होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स एटम, एक जैसे एटम जिसमें होंगे. तो H2O2 एक ही टाइप के एटम्स हैं, हेटरो एटॉमिक में H2O CO2 दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के एटम्स हो गए. क्लियर, अब कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी. नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, जो भी आपका सब्सटेंस है चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट इज एटॉमिसिटी. HCl डायटॉमिक है, HBr डायटॉमिक, H2O तीन एटम्स हो गए, ट्राइटॉमिक, CH4 पेंटाटॉमिक, या उसको आप पॉलीएटॉमिक कह दोगे, क्योंकि जब भी तीन चार से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको पॉलीवर्ड आपका यूज होने लग जाता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी, विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस. मतलब आप उसकी कोई आइडेंटिटी या कोई चेंजेस लेके नहीं आ रहे हो कॉम्पोजिशन में, ठीक है, बिना किसी चेंज के उन प्रॉपर्टीज को आप मेजर कर सकते हो, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी. केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो केमिकल रिएक्शन किसी के साथ भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद क्या सब्सटेंस बन रहा है, दैट विल ऑल कम अंडर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो केमिकल चेंजेस उसमें हो रहे हैं. फिजिकल क्वांटिटीज फिर क्या होता है, जितनी भी क्वांटिटीज जो कि हम नॉर्मली साइंटिफिक स्टडीज में अपनी देखते हैं, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज के अंडर आती हैं जिनको हम मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग आवर स्टडी. जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स, वर्क, बहुत सारी हैं. नॉर्मली आप इनके लिए क्या बोलते हो, फिजिकल क्वांटिटीज ही बोलते हो, जिनको आप मेजर कर रहे होते हो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल स्टडी, नॉर्मली भी जो भी डे टू डे लाइफ में आप नहीं करते हो, बट साइंटिफिक स्टडीज में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर करते हो. उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिट, कि यूनिट क्या है, जो भी आप स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज करते हो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, दैट इज यूनिट. अब यूनिट हर कोई अपनी अलग अलग रखेगा तो नेचुरली प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए ओवरऑल हमेशा एक ही यूनिट काउंट की जाती है या नोट की जाती है. इसके लिए हर कंट्री में अपने अपने एक इंस्टीट्यूट्स कुछ ना किसी को, जिसको कि ये आप कह सकते हो कि असाइन की गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि एक ही यूनिट रहे. हमारी कंट्री में ये आपको ड्यूटी दी गई है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली को. तो सेवन बेसिक यूनिट्स हैं जो आप पढ़ते आते हो, सेवन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, ये तो बहुत बेसिक है, सबने पढ़ी है. फिर इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. इनके सिंबल, लेंथ को आपको पता है स्मॉल एल, मास के लिए स्मॉल एम, टाइम स्मॉल टी, इलेक्ट्रिक करंट आई, टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी. स्मॉल और कैपिटल का बहुत रोल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई, ठीक है. फिर इनकी SI यूनिट्स, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये बहुत कॉमन सी चीज है. लेंथ की मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इनके सिंबल्स हैं. सिंबल में बस ये चीज ध्यान जरूर रखिएगा कि बहुत बार स्मॉल और कैपिटल का यहां पे भी रोल है. कैपिटल के स्मॉल के में फर्क है, स्मॉल के आप देख सकते हो किलोग्राम है, किलो है, कैपिटल के केल्विन है. सो इन चीजों का ध्यान रखना है. यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर न्यूमेरिकल. सो सेवन बेसिक यूनिट्स हो गई, उनके सिंबल्स हो गए, उनकी SI यूनिट्स और फर्दर उनके सिंबल्स. नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर आपने देखा नॉर्मली डिग्री सेल्सियस में आप मेजर कर रहे होते हैं, डिग्री केल्विन में, है ना. न्यूमेरिकल्स में भी इन्हीं दो का ही ज्यादा रोल है.
तीसरी भी आपकी है, वो भी हम पढ़ेंगे। बट इसमें आपको ध्यान क्या देना है, मैक्सिमम जितने न्यूमेरिकल्स आपने करने होते हैं सब जगह टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है। आपको क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में दिया है या केल्विन में, वो सबसे पहले वो चेक करना है। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसमें 273 अप्रॉक्स 273 ले लेते हैं, प्लस करना है सो दैट आप उसको कन्वर्ट करें केल्विन में। उसके बाद ही फर्दर आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, क्योंकि आपको पता है ऐसा यूनिट केल्विन है। तो उसके अलावा आपके जितने जो भी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं सब जगह मैक्सिमम केसेस में आपके ऐसा यूनिट्स ही गई होती हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा जहां पे भी टेम्परेचर आएगा सबसे पहले उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। अब टेम्परेचर मैंने कहा दो तो थे ही आपके केल्विन और डिग्री सेल्सियस में आप मेजर करते हो, तीसरा होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, इनकी सबकी रेंज आपको पता होनी चाहिए। ज्यादा रोल सेल्सियस और केल्विन का ही है, फ़ारेनहाइट का कम है। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये जो रेंज की बात हो रही है फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है कि आप उसको जो लोएस्ट टेम्परेचर है जिसपे कि वो फ्रीज हो रहा है और हाईएस्ट टेम्परेचर जिसपे कि वो बॉयल हो रहा है। ठीक, ये तो हो गई सिंपल चीजें। अब एक चीज आपकी कभी कभार पूछ ली जाती है, इसमें भी इंटर कन्वर्जन यानी डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में आपस में कैसे कन्वर्ट करना है। दोनों में से किसी एक की हो सकता है वैल्यू दी होगी, दूसरे की आपको नेचुरली निकालनी होगी। तो ये दो फॉर्मुलेज हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी दोनों में से सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करिए, बिकॉज उसके अलावा आपकी जस्ट कैलकुलेशंस हैं। दोनों फॉर्मूला जब आप याद करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं माइनस कहां था, प्लस कहां था, मल्टीप्लाई कहां था। राइट, एक फॉर्मूला याद कीजिए, जस्ट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री फ़ारेनहाइट -32, या तो ये कर लीजिए या नीचे वाला, सो दैट आपका क्या होगा कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये सारी जो चीजें हैं ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई बार काम आते हैं, क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है। राइट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट हमें बेसिक्स नहीं पता होता इसलिए हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम में नॉर्मली आप अब तक पढ़ते आ रहे हो 1 लीटर में 1000 ml है, फाइन, बट इसके आगे और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। 1000 ml बोलो या 1000 cm³, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ये बहुत बच्चों को क्या बोलते हैं कंफ्यूज करता है क्वेश्चन में। कई बार वॉल्यूम की बात होती है क्वेश्चन में, सेंटीमीटर क्यूब लिखा होता है, ठीक है, बच्चों को नहीं पता होता उसको मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। सो 1 ml इज इक्वल टू 1 cm³, ये इंटर कन्वर्जन आपको सारी पता होनी चाहिए। 1 m³ और सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है, जैसे आपको पता है 1 m इज इक्वल टू 100 cm, तो आप अगर दोनों साइड क्यूब कर दोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी कि 1 m³ इज इक्वल टू 10^6 cm³। ये आपको कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए, उसके लिए कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है, कुछ बेसिक रिलेशन है, जैसे 1 l इज इक्वल टू 1 dm³, 1 ml इज इक्वल टू 1 cm³। राइट, उसके बाद आपका आ गया मीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब में, ये मैंने लेक्चर में कन्वर्ट करना सिखाया है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आंगस्ट्रम पता होना चाहिए, बहुत आता है, 10^-10 मीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर बहुत पूछा जाता है, ये प्रीफिक्सेस आ गए, 10^-9 नैनोमीटर हो गया, 10^-12 पिकोमीटर हो गया। तो ये सब आपके ओवरऑल ये सारे बेसिक्स, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये सब आपकी बेसिक चीजें यूज होती हैं न्यूमेरिकल्स में, या कहीं आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं वहां पे सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं। तो हमने बेसिक यूनिट्स कर ली, फिर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम कर लिया, उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स भी पहले किए थे हमने। ठीक, देन नेक्स्ट आता है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब कि आप जिनको बेसिक या सिंपल वाली से डिराइव कर रहे हो। आप यहां देख सकते हो एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी जितनी भी है इनमें सब में बेसिक यूनिट्स फर्दर इन्वॉल्व है। वेलोसिटी है, आपको पता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसकी आपकी दो यूनिट्स यहां पे यूज हो गई बेसिक यूनिट्स, वहां से आप डिराइव कर रहे हो इसको। राइट, सो मीटर पर सेकेंड इसकी आपकी यूनिट आ गई। एक्सीलरेशन स्पीड बाय टाइम, तो मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड में क्या आ गया सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स, फोर्स का क्या होता है आपका एम इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन। मास आपका क्या है केजी में मेजर किया जाता है, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन। यहां पे आपको ध्यान देना होगा एसआई यूनिट सबकी डिफरेंट है, ये जो आप इस तरह से ड्राइव करते हो डिफरेंट है। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कई बार सपोज करो फोर्स की वैल्यू कहीं दी होती तो कई बार तो 5 N लिखा होता है, कई बार लिखा होता है 5 kg/s², सो यू शुड बी एबल टू नो कि क्या चीज गिवन है। राइट, तो यूनिट से आप उसको पहचान सकते हो कि क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड का रिलेशन आपको पता लग गया। ऐसे ही प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, या फिर पास्कल, या न्यूटन को भी अगर आप रिप्लेस कर दो जो आपने अभी ऊपर देखा केजी मीटर पर सेकंड से, तो आपकी एक और यूनिट आ जाएगी केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दीज आर द थिंग्स जिसको आपको मगअप नहीं करना होता है, याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना है, जस्ट बेसिक सिंपल चीजें ध्यान है कि आपकी बेसिक यूनिट्स कौन सी हैं, उनकी
उनको आप फर्दर कैसे यूज कर रहे हो, फॉर्मूला पता होने चाहिए, फोर्स का रिलेशन क्या है, उससे आप इनको डिराइव कर लोगे। क्लियर। उसके बाद आपके आते हैं नेक्स्ट प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस मतलब जो पहले लग रहे हैं हमारे यूनिट्स के। तो डेसी सेंटी, इसमें आपके जो माइनस वाली वैल्यूज हैं वो ज्यादा यूज होती है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स लिखे हुए हैं मैंने। डेसी का मतलब 10^-1, जैसे कि 1 decimeter मतलब 10^-1 meter, ठीक है। सेंटीमीटर का मतलब 10^-2 meter, इसी तरह से मिली 10^-3, माइक्रो 10^-6, नैनो 10^-9, पीको 10^-12, फेमटो 10^-15। क्लियर। ये वो हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। उसके अलावा आपके ऐसे बहुत से हैं जैसे मेगा, गीगा, ठीक है, टेराबाइट, जिसमें आपका आ जाता है 10^6, माइनस की जगह प्लस 6 है वो, तो इस तरह के भी हैं। बट हमें न्यूमेरिकल्स में इनका रोल ज्यादा है, हमारे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें इनकी वैल्यूज ज्यादा आएंगी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमने किया था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, इन दोनों में फर्क क्या है, है ना। कुछ चीजें तो आप काउंट कर लेते हो, कुछ चीजें आप काउंट नहीं करते हो, मेजर करते हो डिफरेंट डिवाइसेस से, इंस्ट्रूमेंट से, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत साइंटिफिक मेजरमेंट से गलतियां हो जाती हैं, एरर्स हो जाते हैं, है ना। तो एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको कैसे पता लगेगा आपका जो आपने मेजर किया सही है या नहीं है। तो अगर आपकी एवरेज वैल्यू, जितनी आपने डिफरेंट चीजें मेजर की हैं, वो एवरेज वैल्यू पास है किसके, करेक्ट वैल्यू के या ट्रू वैल्यू के, तब हम कहते हैं कि वो आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट है, ठीक है। हो सकता है जितनी इंडिविजुअल मेजरमेंट है वो जरूरी नहीं कि आपस में पास पास हो, बट करेक्ट वैल्यू के अगर पास है, ट्रू वैल्यू के पास है, तो एक्यूरेट है। और अगर वो डिफरेंट वैल्यूज, जो डिफरेंट आपकी वैल्यूज आई है मेजरमेंट्स करके, वो आपस में भी पास है और एवरेज वैल्यू के भी पास है, राइट, तब उस मेजरमेंट को हम कहते हैं प्रिसाइज, यानी कि प्रिसीजन उसका ज्यादा अच्छा है। यहां हम देख लेते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे आपको यहां दिया हुआ है, हमने कुछ मेजरमेंट्स की, यहां आपको 5 dots दिख रहे हैं, 5 balls दिख रहे हैं, जो भी कह लो इसको, 5 measurements की हैं। इनका आप देख सकते हो पोजीशन कैसी है, बहुत पास पास है, और करेक्ट वैल्यू यहां सेंटर में है। तो यानी आपकी जो भी मेजरमेंट की वैल्यू आई वो करेक्ट वैल्यू के भी पास है और आपस में भी पास पास है। तो यानी कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों है इसमें, बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। इसके केस में, एक्यूरेसी के केस में क्या था, मैंने कहा था करेक्ट वैल्यू और ट्रू वैल्यू के पास होना चाहिए जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी, तो यहां पे तो नहीं है, इसका मतलब पुअर एक्यूरेसी। लेकिन प्रिसीजन इज गुड, क्यों, क्योंकि आपस में पास पास है और एवरेज वैल्यू जो इसकी थी उसके भी पास है। क्लियर। यहां पे एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू दोनों ही सेम थी। एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है, जो आपने 5 या 6 जो भी मेजरमेंट की उसका एवरेज जो निकाला है। थर्ड केस है, 5 measurements आपने फिर की, एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू आपकी यहां थी। अब ये एक वैल्यू तो आपकी आ रही है जो कि करेक्ट वैल्यू के पास है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी इज गुड, लेकिन प्रिसीजन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज आपस में पास पास नहीं है। क्लियर। हो सकता था ये पास हो जाते, हो सकता था नहीं होती, लेकिन यहां पे दूर दूर है, सो प्रिसीजन इज पुअर। लास्ट वाले केस में क्या है, करेक्ट वैल्यू यहां है, इसके आसपास आपको देख रहे हो कोई मेजरमेंट नहीं है, सो इसका मतलब पुअर एक्यूरेसी। और प्रिसीजन 4 तो यहां, 1 यहां है, ठीक है, ये भी आपस में पास पास नहीं है, एवरेज वैल्यू यहां है तो उसके भी पास नहीं है, सो प्रिसीजन इज ऑल्सो पुअर। तो यहां से क्लियर हुआ कि प्रिसीजन रिलेटेड है किससे, मेजरिंग डिवाइस और स्किल ऑफ ऑपरेटर दोनों से, कि जो भी चीज आप मेजर कर रहे हो वो कैसे मेजर हो रही है, राइट, वो इंसान जो मेजरमेंट कर रहा है कितने उस प्रॉपर तरीके से कर रहा है, और जिस डिवाइस से कर रहा है उसमें भी एरर कम हो, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर। आई होप आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक। इसके रिगार्डिंग भी हमने एग्जांपल लेके भी किया था प्रिसीजन एक्यूरेसी क्या चीज होती है। सो नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर विच इंक्लूड्स लास्ट डिजिट इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। ये हम करते क्यों है, जरूरी नहीं है आपका रिजल्ट एक्यूरेसी के साथ आया हो, है ना। मेजरमेंट में कुछ एरर रह जाता है, 0.001 या कुछ भी इस तरह का, ठीक है, तो हम प्लस माइनस लिखते हैं मेजरमेंट के साथ, उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। सो उसके लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते हैं। अब उसके कुछ रूल्स हैं, जितनी नॉन जीरो डिजिट्स हैं एज वेल एज जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट, ठीक है। कैसे, सारी नॉन जीरो थी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, एंड जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स सब किस में आ जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर में। क्लियर। जैसे यहां वाली है, ये वाली जीरो इन बिटवीन नहीं है, सो खाली ये दोनों आएंगी, इस ये वाली आपकी इन सबके बीच में है, तो यहां पे 4 काउंट हो जाएंगी। क्लियर। सेकंड रूल, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपकी ये है, इसके लेफ्ट साइड में जितनी भी जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगी, जैसे कि ये वाली सारी,
रखती हूँ क्योंकि ये जस्ट हमें डेसिमल पॉइंट की पोजीशन बता रही है. तो यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे दो. इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोज बट दीज जीरोज आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट देन दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट. कि अगर एक नंबर आपका जीरो से एंड हो रहा है जैसे ये, ठीक है, और वो जीरो आपकी राइट साइड है डेसिमल पॉइंट के, तब क्या करोगे आप, उन जीरोस को सिग्निफिकेंट काउंट करोगे. जैसे यहां पे टू, यहां पे फोर, इसमें आपको मैंने आगे और पीछे दोनों जगह जीरो दिखा रखी है, तो ये वाली काउंट नहीं होगी लेकिन ये वाली होगी क्योंकि राइट साइड है. तो वन टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर. उसके बाद इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोज बट दी जीरोज आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, मतलब अभी तक हमने राइट साइड किया था, अब लेफ्ट साइड में है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी. कैसे, अब देखो यहां पे वैल्यू दी हुई है 40800. इसको इसमें आप हम ये भी कह सकते हैं 3 भी हैं, 4 भी हैं, 5 भी हैं. कैसे, अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में एक्सप्रेस करोगे यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसे ये है 4.08 × 10⁴, ऐसे भी लिख सकते हो 4.080 × 10⁴, ऐसे भी लिख सकते हो. तो डिपेंड कर रहा है आप किस फॉर्म में लिख रहे हो, उसके हिसाब से इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी. क्लियर है. अब सिग्निफिकेंट फिगर जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो तो 10⁴ वाली जो है वो नहीं काउंट करते हो, जस्ट ये काउंट करते हो, ठीक. यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए हमने 5 लिखी है. क्लियर, ये आपके हो गए सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स. अब अगर कोई कैलकुलेशन होती है प्लस माइनस, ठीक है, या डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, उसके केस में, एडिशन सब्सट्रैक्शन के केस में, जब भी आप कोई कैलकुलेशन करोगे, जो भी फाइनल रिजल्ट होगा उसमें क्या करोगे, जितनी डेसिमल प्लेसेस आपकी इंडिविजुअल टर्म में है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपने डिसाइड करना है. जैसे कि रिजल्ट आपने निकाला, यहाँ पे तीन मैंने आपको डिजिट्स दे रखी थी, यहाँ पे एक थी 4.923, एक 5.1, 6.23. तो जिस टर्म में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं उसी टर्म के अकॉर्डिंग आपने आंसर भी रिपोर्ट करना है. जैसे कैलकुलेट करके तो आपका ये आया लेकिन आपने आंसर क्या लिखा, 16.2. क्यों, क्योंकि आपका इसके केस में डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट था, आपने उसी हिसाब से यहां पे भी रिपोर्ट किया. क्लियर, कैसे किया ये हमें, राउंड ऑफ करके. अब पढ़ते हैं कि राउंड ऑफ क्या चीज है, राउंड ऑफ के रूल्स क्या हैं. अगर आपकी डिजिट जिसको कि आप रखना चाहते हो जस्ट नेक्स्ट टू द, मतलब सपोज लास्ट डिजिट आपकी जो भी थी जिसको आप रखना चाहते हो, ठीक है, उससे जो अगली डिजिट है वो लेस देन 5 है. जैसे एग्जांपल से देते, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा. 1.234 आपको रखना था यहां तक, ठीक है, उससे अगली डिजिट लेस देन 5 है, तो हम क्या करते हैं, जो भी उसकी पहले वाली डिजिट थी उसको एज सच ले लिया. क्लियर. और अगर आपका क्या है, वही वाली डिजिट जहां तक रखना है उससे अगली डिजिट 5 से ज्यादा है, तो हम इसको प्लस 1 कर देंगे, इंक्रीज बाय 1, यानी कि 1.24 आ गया. ये तो दो केस हो गया कि जहां तक आपने डिजिट रखनी है उससे अगली या तो लेस देन 5 हो या मोर देन 5 हो. लेकिन अगर 5 ही हो फिर, जैसे थर्ड केस में आपका थर्ड रूल जो है वो यही है कि अगर वो डिजिट आपकी 5 ही हो तो भी दो केस आ जाते हैं. कैसे, कि ये तो 5 है लेकिन इससे जस्ट पहले वाली जहां तक आपको रखना है वो या तो ऑड होगी या इवन होगी, है ना. अगर ऑड होगी तो इंक्रीज बाय 1, अगर इवन होगी तो एज सच. क्लियर, ये बेसिक रूल्स हैं राउंड ऑफ करने के. एडिशन सब्सट्रैक्शन जब भी आप करोगे राउंड ऑफ करके फाइनल आंसर रिपोर्ट करोगे. जितने लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो भी आपको डिजिट्स दी होंगी एड या सब्सट्रैक्शन के लिए, उसमें जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जिसमें होंगी उसी की सपोज 1 है 2 है जो भी है उतने डेसिमल पॉइंट तक आपको फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है. इसी तरह सिमिलर रूल है मल्टीप्लीकेशन डिविजन का भी, लेकिन यहां पर क्या करना है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल है. जैसे ये यहां पे एक आपको ये वैल्यू दी थी, एक यो, इनको मल्टीप्लाई करना था, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 2, तो आपको फाइनल आंसर 2 वाली के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना होगा बिकॉज लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. अब हो सकता है एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कंबाइन करके भी आए, है ना. कंबाइन करने में भी हमने स्टडी किया था कि ओवरऑल आपको इसी तरह से लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट नंबर ऑफ जो आपका राउंडिंग ऑफ है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके फाइनल आंसर रिपोर्ट करना होता है. गाइज, आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा, आई होप आपको पसंद आया होगा. प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर इट टू योर फैमिली फ्रेंड्स एवरीवेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इमीडिएटली एज सून एज आई अपलोड द वीडियो, राइट. सो कीप वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू.